जॉन। यस सर। अब हम गांव में आ गए हैं, एक एक आदमी की सबकी नसबंदी कर दो, कोई भी आदमी बचना नहीं चाहिए। ओके चलो। डॉक्टर जॉन। यस सर। देखो वो आदमी जा रहा है, पकड़ो उसको। अभी पकड़ा सर। ठीक है, कर दो नसबंदी। ठीक है सर। अबे अबे कौन हो तुम? अबे कौन हो? अबे कौन हो तुम? हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, क्या कर रहे हो? चुप करो। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय हाय मार दिया अल्लाह। चलो ड्राइवर। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? हाय अल्लाह, इनका सत्यानाश हो जाए, इनका बेड़ा गर्क हो जाए, ये सुत्ते राजी से। अल्लाह, इन्होंने क्या कर दिया ये? हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? चुप हो जा बेटे जमीला, चुप हो जा, सबर कर, क्यों आई हो? सही बात है चाचा, कुछ कह भी नहीं सकता, सरकारी आदमी है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे चुप कैसे कर लूँ भाईजान, एक दो बच्चे होते तो सबर कर लेती, यहाँ तो एक भी बच्चा नहीं है, कैसे सबर कर लूँ भाईजान, कैसे कर लूँ? अल्लाह तुमको बता दे क्या हो गया, कैसे हो गया? ओवे? ओवे? अरे क्या हो गया, क्या कर दिया तुमने? पड़ोसन रो रही है जमीना। चल देखता हूँ, हेड मार रही है। मारी? क्या बात है, क्यों रो रही हो भाईजान, क्या माजरा? भाई से चिल्ली, नसबंदी वाले मेरी नसबंदी कर गए, अब मेरे बच्चे कैसे होंगे? अब बता, बच्चे तेरे होंगे या भाभी के? फिर तू क्यों फिक्र कर रहा, बच्चे तो हो ही जाएंगे, फिर हम हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जाओ अपने घर जाओ। मैंने गोंदा गाली दे दी, कम न कहता। भाई तू हमें हमारे हाल पे छोड़ दे, अपने घर जा। चल छोड़ दिया, रो खूब रो, मगर मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, तेरी नसबंदी का बच्चे का क्या लेना देना? शेख जी, अगर तुम इतने समझदार होते तो ऐसी बात नहीं करते, मैं बताऊँ। हाँ बता, तू बता कैसी बात है? जब किसी पुरुष की नसबंदी देते तो उसके घर में फिर बालक नहीं होते। ओवे, ये क्या बात है? हाँ भाई शेख चिल्ली, यही बात है, तू भी बच के रहना, नसबंदी वाले जो भी हाथ लगे उसी की नसबंदी कर दें, कभी तेरी भी कर दें। ओवे, इसका मतलब तो सारे मेरी नसबंदी कर देंगे? तुम्हें भाई यार, मेरे तो घर में एक भी बच्चा नहीं है अभी। एक बार भाई पहले चलो, भाई पहले चल रहा हूँ। या अल्लाह, इससे एक चिल्ली को भी थोड़ी सी अकल दे देता। रुखसाना, बार रुखसाना, खोल नहीं रही। तो कैसे खेल रही है शेख जी? आ गए तुम? तुम्हें गली में कोई मिला तो नहीं? क्या मतलब? मुझे तो कोई नहीं मिला, मगर तू इतनी घबराई हुई क्यों है? शेख जी अंदर चलो, तुम्हें पता है नसबंदी वाले आए थे, तुम्हें ढूंढते फिर रहे। तुम्हें नसबंदी वाला आया साला, तुझे पता, तुझे पता रुक जाना, इकबाल की नसबंदी करके साले। हाँ रुक जाना, मुझे बहुत डर लग रहा। शेख जी दरवाजा खोलो। अब क्या होगा, रुखसाना बचा ले, रुखसाना बचा ले, रुखसाना। ठीक है शेख जी, ये मर्दों की टीम है, और तो वो कुछ नहीं कहते। और तो कुछ नहीं कहते, मगर मैं कैसे करूँ, तेरे तले खाट तले पिलर तले कोटी तले तेरे तले कहाँ बढ़ूँ? गेट खोलते हो या तोड़ दूँ? रुखसाना तू कैसी थी, मैं बहुत अकलबंद हूँ, अकलबंदी अधिकावना दिमाग अधिकावनी चतुराई। ये सरकारी काम है, बिगर नसबंदी के छोड़ेंगे नहीं। ठीक है शेख जी, आया आइडिया, तुम मेरे कपड़े पहन लो और औरत बन के अंदर बैठ जाओ। क्या, तेरे कपड़े पहन लो शेख जी, इन लोगों से बच जाओ। बच जाऊंगा, रुखसाना पढ़ा दे, पढ़ा दे, पढ़ा दे, रुखसाना पढ़ा दे, पढ़ा दे।
दरवाजा खोलो। खोलते हो या तोड़ दूं? आई भाईजान आई। खोलो। डॉक्टर जॉन कम ऑन, आपने इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में, कहाँ है तुम्हारा मर्द? शेख चिल्ली अजी, इस घर में कोई मर्द नहीं है, बाहर जा रहे हैं। इस घर में तो हम दो ही औरतें हैं। दो औरतें? हाँ जी हाँ, तभी तो दरवाजा नहीं खोला हमने। मगर घर तो शेख चिल्ली का है, दो औरतें कहाँ से आ गई? भैया खाला, खाला खाला ना, फूफू फूफो है, फूफी है। क्या खाला फूफो? कौन है एक बताओ, सच सच बताओ कौन है ये? अजी ये हमारी फूफी है, चार दिन से आई हुई है, बीमार है, इनसे तो उठा भी ना जा रहा। सर जिस घर में दो औरतें रहती हो उस घर में कम से कम एक की तो नसबंदी करनी पड़ेगी। चलो एक चलो, या तो अपनी फूफो को भेजो या आप चलो। क्या एक की नसबंदी? कहाँ जा रही है फूफो? वो बाथरूम जा रही है। अरे पेट में दर्द जाते रहे, कभी पंखा उखल जा, कुछ बीमारियां दे रहे। चेक चिल्ली, डॉक्टर जॉन, डॉक्टर खुराना, पकड़ो उसे, जहाँ भी मिले नसबंदी कर दो। चलो भाग ले शेबू, बचा ले। पकड़ो पकड़ो इसको जल्दी डॉक्टर। अल्लाह आज बचा ले, आज बचा ले अल्लाह। अरे जंगलों में भागूंगा, जंगलों में चढ़ जाऊंगा साले, चढ़ जाऊंगा जंगलों में जाकर। अरे आ जाओ साले, हाथ नहीं आऊ, भाग जाऊंगा जंगलों में, भाग जाऊंगा साले, ईख में पड़ जाऊंगा जाकर साले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ साले। अबे रुक जा, रुक जा, आ जाओ आ जाओ साले, आ जाओ। छोड़ी ना रे पीछा, पीछा छोड़ी ना रे शेकू। आज बचा रहे, आज बचा रहे तो सारे जंगलों में भाग रहा हूँ। बढ़ जाओ कहाँ गया? अभी तक तो यही था, अभी तक तो सर, सर यहाँ कहीं शॉप में अपना हो सर, हम तो भाग भाग के थक लिए। साले हाथ आने वाला नहीं है साले, जंगल का तो मैं हिरन ही हिरन, तुम्हारे हाथ में आने वाला साले थका दूंगा पूरा। मेरा नाम शेख चिल्ली है साले। सांसी ऊपर नीचे घो रहा। चलो ठीक है, छुट्टी का टाइम तो होगा, चलो वापसी चल रहे हैं, फिर देख लेंगे। हद तेरी, भागम भाग में ही थक गए। ओए ओए निकल तो ये साले, निकल जाओ साले, आए देखते हैं जा रहे, निकल जाओ बेटा, निकल जाओ, ये चिल्ली पकड़ोगे बेटा, निकल ले इधर को, निकल ले। या अल्लाह शेख जी भाग तो गए, कहीं डॉक्टर के हाथ ना आ जाए, अगर वो डॉक्टर के हाथ। ओए इसे क्या हो गया? रुक जाना, तो कैसे बैठी है? शेख जी तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे तू ठीक नहीं लग रही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो डर लग रहा था कहीं वो नसबंदी वाले। रुक जाना, मैं साले का हाथ ही नहीं आया। मगर वो कभी भी आ सकते हैं, तुम चौकस रहना। मैं ठीक हूँ, रुक जाना, तू ऐसा कर,
मुझे भूख लग रही है, रोटी ला दे, रोटी ला दे। शेख जी रोटी तो आज मैंने पकाई नहीं, एक बात कहूँ? हाँ क्या? क्या? आज रोटी तुम पका लो और मुझे 5 रुपए दे दो, मुझे हारून की बहू का मुंह देख के आना है। वाह! रोटी मैं पकाऊंगा, तू बहू का मुंह देख खाएगी, रोटी पक जाएगी क्या? हाँ हाँ जैसी भी पके पका लेना, मैं अभी बहू का मुंह देख के आ जाऊंगी। ठीक है, मगर जैसी पके खा लियो, कभी मैं से लड़े। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगी। देख ले अगर तेने कुछ कहा ना तो तेरा बक्कर उतार दूंगा। मुझे मंजूर है, अब लाओ 5 रुपए। 5 की बजाय तो 10 ले जा, ले जा। देख हारून की बहू का मुंह। तुम कितने अच्छे हो ना। चोंचला कर रही है साली, चोंचला कर रही है। 10 रुपए में दिखा रहा हारून की बहू मुंह, 10 रुपए लगेंगे। ओबे रोटी पकाऊ कैसे, मुझे क्या करना चाहिए? ओह पहले चूल्हा जलाता हूँ, उसके बाद कुछ करूंगा। ठीक है, देख हारून की बहू का मुंह, मैं तो रोटी पका दूंगा। अरे क्या बात है, रोज पकाते रुक जाना, मैं आज पका दूंगा तो क्या है। और भर दूंगा चूल्हे को, पूरा भर दूंगा। इधर भी आ जा, रही है ये पता नहीं माचिस कहाँ रख गई, यहाँ रखती है। ओ रखी है ठीक है, और जला देता हूँ। जल जा जल जा, जल गई ठीक है, जलेगी। जल जा हाँ, इतनी फुकवाएगी लपट कर रही है, कर रही है लपट लपट। नहीं जल 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 जा जल जा। ओ जल क्यों नहीं रही? ओ अब समझा, रुखसाना आटा गूंथती है पहले, साली आटे को देख के जलेगी। ठीक है मैं भी आटा गूंथता हूँ, पहले आटा गूंथता हूँ आटा। ठीक है अब जलेगी, अब जल जाएगी आग। अब ऐसा करता हूँ, पहले आटा ठीक है, ये सही है, आटा गूंद के जल जलाऊंगा, जब जलेगी साली जान है। अब देख अब जलेगी, अब जलेगी, आटे को देख कर जलेगी साले जान है। चूल्हा भी आटे को देख कर जलेगी। अब ठीक है अब जलाऊंगा, लकड़ी ले जाऊंगा, लकड़ी लगा के जलाऊंगा। आटा भी गूंथ लिया मैंने, मैं कम ना कल मुझे भी कहाँ फंस गई। जल जा कम ना कल वह लकड़ी उबे। सारा चूल्हा भी फूट गया और आटा भी पतला हो गया, अब क्या करूं? ठीक है इतना नुकसान आया कि सारे मुझे हाथ फेंक देता हूं। अबे कौन कम मखत है? अबे साले इकबाल की आवाज ही लग रही है। कभी भाभी ने तो नहीं डाल दिया, सारे कपड़े खराब कर दिए। सारा भी सारी नए नए लफड़ों में फंस गई मुझे। भाभी तुम यहाँ, इसका मतलब शेख चिल्ली करामात है। भाईजन ये क्या हालत बना रखी है आपने? ये सब तुम्हारे शेख चिल्ली करामात है, उसी ने सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। शेख जी की? भाईजन अगर यही बात है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी की कोई बात नहीं है, समझा लेना उसको। ठीक है भाईजन।
शेख जी, शेख जी, शेख जी, मैं चिल्ला बस नारा नहीं हूँ, बोल जल्दी बोल, क्या बोल रही है? बना लिया खाना? या अल्लाह, मेरा तो चूल्हा ही फोड़ दिया और बर्तन भी फेंक दिए और लेटे हैं नवाबों की तरह, शर्म नहीं आ रही? मालूम जरा भाल से बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे मेरे बना बना दिया। और एक बात सुन ले, मेरे हाथ आटे में सने हुए हैं। आटे में सने हुए हैं तो मैं क्या करूँ, पागलपन की भी हद होती है शेख जी, एक दिन में पेट भर गया, हम तो रोज करें। मैं ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, जाकर रोटी बना ले। या अल्लाह, मैंने तो मना किया था अपने अब्बू से, फिर भी इस घर में चलने के लिए भेज दिया, पकाती हूँ अभी। सारा आटा फेंक दिया, अब मैं रोटी काहे की पकाऊं? आटा? मैं आटा तो मैंने देखा भी नहीं है। क्या कहा? देखा भी नहीं? और वो जो इकबाल गली में गाली देता जा रहा था, उस पे आटे का घोल किसने फेंका था? मैं उससे ये पूछती, दीवाली की जगह ऐसे कर जाता पहले खड़ा नहीं हो सकता था? अच्छा ये बताओ, तुम सुधर गए या नहीं? इसका मतलब तुम नहीं सुधरने वाले। मैं जा रही हूँ अपने अब्बू के घर। मैं रुक जाना मांझा, मांझा रुक जाना, क्यों मेरे हाथों को दुख दे रहे हैं, वरना सारी बक्का तार दूंगा, जैसा अब्बू अम्मी का तारता था। हाँ तुम्हारी अम्मी पिटती होंगी, मैं नहीं पिटने वाली, तुम्हारी अम्मी तो पागल है। रुक जाना, अगर मेरी अम्मी को पागल कहा ना तो तेरा साथ बुरा हो जाएगा, मान जा। मैं ना मानने वाली, मैं तो तुम्हारी अम्मी को भी पागल कहूंगी और तुम्हारे अब्बू को भी। रुक जाना, देख ले उन्हें डंडा पड़ा, दीवार को भटके मार ले। ना बाड़ू, ना बाड़ू, ना बाड़ू, कर लो जो करना है, और हाँ हाथ मत लगा दियो, बहुत बुरा हो जाएगा। बुरा करेगी, बुरा करेगी, खाली बुरा करेगी। देखो शेख जी, तुम्हें पता है ना, अगर मैं नाराज हो गई तो 3 दिन तक नाराज रहूंगी। मैं तुझे पता, जब मैं मारता हूँ 3 दिन तक लगातार मारता हूँ, खाली कभी ना मारो, बता रही हूँ, अगर माँ का दूध पिया तो हाथ लगा के दिखाओ। माँ का दूध पिलाएगी, माँ का दूध पिलाएगी, मगर मत बोले खाली, खाली, ये ले, ये ले, ये ले, खाली, बोले, 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 खाली, बोले, खाली, खाली, कर दूँगा फिट, फिट कर दूँगा खाली, फिट कर दूँगा खाली। छोड़ो इसे, अरे पागल, औरत का क्या पीटना, पीटना है तो किसी मर्द को पीटो, मर्द को। क्या कहा? मर्द को? हाँ मर्द को पीटो। मर्द को पीटू? हाँ मर्द को पीटू। हाँ ठीक है, रुक जा रहा, तू अंदर जा, अंदर जा, अंदर चली जा, तू तू तो मर्द है ना, मर्द है ना, मर दे तू, अरे मुझे मार दे, मार दे, मार दे, ये ले, मार दे, मुझे मार दे, हिमाचल ले आकर उसका रही, छोड़ो उसका रही, हिमाचल ले आकर मार दे, क्यों मार रहे हो, ये ले, ये ले, बता मैं हिमाचल जा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये ले, ये ले, हाले पार्ट में चुला, छोड़ो, चुला पार्ट में, हाले पार्ट में, हाले पार्ट में, छोड़ दे, हाले पार्ट में, छोड़ दे, हाय साले, चला यार साले, अबे सालों को छुड़ा दे, साले भाई हिमाचल जा रहा है, साले ऐसा कूट दिया, मर का पीछे साले तू तो मर जा, आया साला, रुक जा रहा कि हिमाचल लेगा, बहुत हो लिया ड्रामा, अब मैं जा रही हूँ अपने अब्बू के घर। मैं मुझे बता रुक जा रहा तेरी, तू 3 दिन तक नाराज रहेगी। 3 दिन की बात नहीं है, मुझे लेना आ मत जाना, वरना अब्बू से कह के बहुत पिटवाऊंगी, और हाँ एक बात और, उधर को पैर करके भी मत सो जाना। अच्छा हाँ जा, निकल जा, निकल ले, जा रही हूँ मैं अब लाने की, जा मुझे जरूरत नहीं है तेरी, जा चली जा, जा चली जा, बस हाल ही अपना बात ही फिरेगी चौथे दिन। हाँ मुझे बता 3 दिन तक रहेगी तू गुस्सा, या तो यार जिड़ी मौज में शेख जिली मजे में रहेगा, चौथे दिन अपना आएगी। हाय हाय मार दिया, हाय हाय मार दिया, हाय मर गया, हाय हाय शेख जिली के बच्चे तेरा सत्यानाश हो, मुझे इतना मारा तूने, हाय मर गया, हाय। अरे क्या हुआ, क्यों घेर फाड़ रहे हो, अरे क्यों चिल्ला रहे हो इतना, अरे क्या हाल बना रखा है तुमने? अरे मैं निकला जा रहा था, उस शेख चिल्ली के बच्चे ने मेरे ऊपर आटे का पानी डाल दिया। कोई आटे के पानी से चोट लग गई है जो चिल्ला रहे हो? अरे वो शेख चिल्ली अपनी बीवी को पीट रहा था, मैंने सोचा उसकी बीवी को छुड़वा दूँ, जैसे मैं छुड़ाने के लिए गया उसने मेरे पे लठ बजा दिया, मैं तो भाग आया वरना वो मुझे जान से मार देता। मगर तुम गए क्यों थे उधर? अरे गया क्या था, आज गांव में नसबंदी वाले आने वाले थे, मैंने सोचा शेख चिल्ली को चौकन्ना कर दूं, उसने तो मुझे ही चौकन्ना कर दिया। अभी क्यों बताओ किसी को,
मरने दो, कपड़े बदलो, बाबा के यहाँ चलते हैं, उनसे दवाई लाएंगे, उनकी दुआओं से बच्चे हो जाते हैं। अबे तू ही चली जा, मेरा तो सारा शरीर दुख रहा। अरे तुम भी साथ चलो ना, मुझे अकेले को डर लगता है, तुम भी साथ चलो। ठीक है तो चल, मेरे कपड़े दे दे। चलो अल्लाह, रुखसाना ये तो नसबंदी वाले आ रहे हैं और शेख जी घर पे हैं। अगर मैं ऐसे ही गुस्सा रही तो ये लोग शेख जी की नसबंदी कर देंगे और हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। गुस्सा छोड़ और वापस घर चल। अरे भाभी क्यों भाग रही हो, क्या बात हो गई? भाग क्या रही थी भाईजान, वो नसबंदी वालों की टीम आ रही है, मैं शेख जी को बताने जा रही थी, लेकिन वो तो मुझसे नाराज हैं। आप ही भाईजान उनसे जाके कह दीजिए, अब आप ही उन्हें बचा सकते हैं। सुनो जी, तुम जाओ शेख जी को लेकर भाग जाओ, मैं रुखसाना भाभी को लेकर बाबा के पास जाती हूँ। हाँ मैं जाती हूँ जमीला के साथ, तुम जाके शेख जी को बचा लो। ठीक है मैं अभी बचाता हूँ। नसबंदी हो गई तुम्हारी? भाई साहब 8 दिन पहले कर दो गया मेरी नसबंदी। अच्छा हो गई? हाँ। चलो डॉक्टर जॉन, इन्हें जाने दो। चलो चलो। हाँ, तेरे सांस ही चढ़ता रहा है, तेरे सांस की बीमारी होगी दिखे। हम गए ना समझे, हम बड़े काम की चीज रे बबुआ, बड़े काम की चीज हमरा बड़े। तो बड़े काम की चीज हमारी सुन और भाग ले यहाँ से। बेगवाल यार तू, मैं मुझे माफ कर दे यार, मैंने तुझे बहुत मारा। माफ कर दिया? नसबंदी वाले आ रहे हैं, भाग ले, तुझे बचाने आया हूँ। हैं? ओए तेरे देख ही नसबंदी वाले, कभी किसी की सगाई वाले हो? चेक लीजिए। ओए इकबाल आगे दिखे सारे। ओए इकबाल, कल तेरे उठाना ने बचा लिया मुझे। यार आज कैसे बचेगा इकबाल? ओए बचा ले इकबाल, बचा ले। अबे दरवाजा खोलोगे क्या? ना मेरी समझ में तो ये आ रहा है, लठ ले लो हाथ में, एक एक को अंदर खींच लो, पहले लठ बजाएंगे बाद में बात करेंगे। ओए बिल्कुल ठीक कर रहा तू, सारे पागल मान रहे हैं, लठ ले लो हाथ में, है नहीं? देख लीजिए। आगे सारे बोल रहे सारे, मैं देखू तो मेरा डंडा। अबे दरवाजा खोलोगे ना? खोल रहे तो गली रख। चल भाई चल, खोल रहे तो गली रख, खड़ा रहे, आजा खेल ले। अरे जान से मार दूंगा, और साथी कहाँ तेरे? अबे मैं नसबंदी मार रही हूँ। और कौन है तू? अबे मैं तो इलियास का भांजा हूँ भाईजान। अबे मैं तो उसकी क्या नाम है, मैं तो नाम ही भूल गया साले का। अबे मैं अलीमू की सगाई है, उसके लिए बुलाने आया हूँ तुम्हें। ओबे अलीमू की सगाई का कहना आया? हाँ। मैं तो गलत मिल गया, जल्दी कर ले, निकल ले। अबे आ जाइयो, निकल ले साले, नहीं निकल, क्या निकल ले साले, हम तो वैसे परेशान है। लगा लगा जल्दी लगा दे, लगा दे, मैं भेज दे जल्दी। चले इधर को, तो नसबंदी वाले आएंगे दीवार से कूद के जाते हैं। चलो भागो, निकल ले, जा मेरे घोटू फुड़वाएगा इधर को। भाग ले, भाग ले, भाग ले। क्या बात है, कैसे भाग ले भाई? नसबंदी वाले आ रहे हो, कब कब आ रहे? लो बेटी, मेरी इस दवाई में अल्लाह की रहमत मिली हुई है, इस पे शक मत करना, इसे जिसको भी खिलाओगे उसके बच्चा हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है बाबा,
हम चलते हैं। ठीक है बच्चा। मगर बाबा आप हमारे घर खाने पे कब आओगे? हम आपको घर पे ही खिलाएंगे। कैसी बात करते हो बेटा? अरे बाबा को जब बुलाओगे बाबा हाजिर हो जाएंगे। सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम्हें भी दवाई चाहिए बेटा? नहीं बाबा मुझे दवा नहीं, मुझे तो बस दुआ दे दो कि मेरे शेख जी की नसबंदी ना हुई हो और वो ठीक हो। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। जाओ बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा। अल्लाह भाई शेख चिल्ली, मैं क्यों तेरे साथ भगा फिरूं? मैं तो जा रहा हूँ अपने घर, मेरी तो नसबंदी हो रही है, तू रह यहीं जंगल में। हैं? क्या हुआ? जा भाई जा, हमारा भी अल्लाह मालिक है, मगर तुझे पता कैसे चला नसबंदी वालों का? मुझे क्या पता था, मुझे तो रुखसाना भाभी ने बताया, उसी की वजह से बचा आज तू। रुखसाना? कहाँ रुखसाना? रुखसाना गई है जमीला के साथ मजार पे। तू जाता रहा मगर रुखसाना से कह दी तू ऐसे जंगल में याद कर रहा। अरे कहना क्या, मैं रुखसाना को यहाँ भेज ही दूंगा, मगर तू प्यार से बात करियो। प्यार से बात करूँ मगर वो मान जाएगी? अरे मानेगी क्यों नहीं, शेख चिल्ली तेरे से वो बहुत प्यार करती है। ठीक है तू जा, मगर मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उससे। भेज दिया सांड। भेज दूंगा भेज दूंगा। We'll be right back.
दुनिया रूप दीवानी, मैं तेरे लिए जीऊंगा बस तू भी मेरी रानी। चाहवे अब मैं भी ये पहचान गया, मैं तुझको तू मुझे चाहवे अब मैं भी ये पहचान गया। कभी चाहत कम ना होगी चाहे जीवन मिट जाए, कभी चाहत कम ना होगी चाहे जीवन मिट जाए। कितना मुझको चाहे अब मैं भी ये पहचान गया, तू प्यार गए मुझसे करती अब मैं भी दिल से मान गया, तू प्यार गए मुझसे करती अब मैं भी दिल से मान गया। चाहत कम ना होगी चाहे जीवन मिट जाए, कभी चाहत कम ना होगी चाहे जीवन मिट जाए। तू नाराज तो नहीं वैसे? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे क्यों नाराज नहीं हूँ? क्यों नाराज नहीं है फिर बता। सारी बातें यहीं बता दूँ, घर बताऊंगी। चलो अब तो वो लोग चले गए होंगे, शाम होने को आई। चलो तू जाना, तू कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है जाना, बता दू। नाराज हो गए एक को चाहती है, बता तेरे जैसी दीदी किसको मिलेगी? मिलेगी कि मिल गई? मिल गई तो किसे मिल गई? शेकू और किसको? साला क्या नोची यार, चलो निकल लो। वो तो आप ही को लेने गए थे, पता नहीं कहाँ रह गए। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो आना ही था। आ जाएंगे वो भी। यार मेरे मौला, मैं आपके लिए खीर लाती हूँ, इतना खीर था ना इतने वो आ ही जाएंगे। ठीक है जाओ ले आ। या मेरे मौला सब पे रहम फरमा। लाओ बेटा, एक काम करो बेटा, हमने एक दवाई की पुड़िया दी थी वो भी लेकर आओ। लो बेटा ये खीर ले जाओ और इस खीर को तुम खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, इंशाल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी होगी। मुझे तो और ला दो। लाओ बेटा, बेटा एक काम करो, एक गिलास पानी और ला दो। लाओ बेटा।
लो बेटा बस मेरा तो पेट भर गया। लो ये तो तबर्रुक है बाबा के नाम, खिला देना उसे, जाओ। अरे बाबा मैं तो आपका मजार पर देख के आया था। अच्छा खाना खा लिया आपने? हाँ बेटा मैंने तो खाना खा लिया। अच्छा मैं अब चलता हूँ। आपको छोड़ के आऊँ? अरे नहीं बेटा मैं चला जाऊंगा, तुम थके आ रहे हो बाहर से। अच्छा अच्छा बेटा मैं चल, खुश रहो, खुदा हाफिज। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खाऊंगी? हाँ मेरे लिए ले आओ। तो खाया तेरी उतार लगेगी सीसी क्या चल रही। भाई इकबाल भाई तुम्हें पता मोहल्ले में नसबंदी वाले फिर रहे, पाँव मुझे डर लग रहा। अरे शेख भाई तुम डरो मत, जो होगा देखा जाएगा। तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए खीर लाता हूँ। खीर लाता? तो भाभी कहाँ गई है? अरे नहाने गई है, तुम बैठो ना मैं लाता हूँ। ठीक है ला दे तो ला दे भाई। लिया लिया बेटे इतने तेरी चख लेता हूँ। बड़ी मीठी है ये, और लेता इसे ले जाऊं शेख चिल्ली है लो कहोगा थोड़ी लाया, इसमें ज्यादा है इसको लेके जाता हूँ। ये लो आओ। और खैरियत है? फिर मुझे डर लग रहा है वाला साल है, चुप से आ जा घर को भी। मैं हूँ ना, घबराने की क्या बात है। खीर बढ़िया बनाई है, जमीला भाभी खीर बढ़िया पकाती है। मजा आ रहा है? बाबू मजा आ रहा, अल्लाह कसम वह जन्नत आ गई। जन्नत आ गई? और जन्नत कहाँ से आ गई? खीर में मजा आ गया भाई, खीर में मजा आ गया। वाह भाभी एक बार बताऊं, आपने खीर बहुत अच्छी बनाई है भाई, मान लो मजा आ गया। देखी अच्छी लगी और लाके दूं? अरे पूछ क्यों रही हो, ले आओ ना। हाँ ले आओ ले आओ, आप पूछ रही है। और आ रही है शेख जी, अल्लाह खुद भाई वाली प्लेट खाऊंगी वो खाओगे शेख। अल्लाह जो अंदर खीर रखी थी उसे कौन खा गया? क्यों क्या बात हुई? वो तो मैंने शेख भाई को खिला दी। वो तो मैंने अपने लिए रखी थी। तो और लेके खा लेना। बात खाने की नहीं है, तुम्हें पता है बाबा ने उसमें बच्चे होने की दवाई डाल के दी थी और वो तुमने शेख भाई जान को खिला दी, अब क्या होगा? क्या उबा दवा की खीर मुझे खिला दी कब लगा था भाई? इकबाल भाई मुझसे कब के मैं निकाल रहा तू कब लगा? जब भाभी तुमसे ये उम्मीद है तू मुझे दवा की खीर खिलाएगी? मारू करा मरवा दिया बता, मरवा दिया मरवा दिया रुकारा मरवा दिया मरवा दिया मरवा दिया। रुको सेठ जी रुको रुको शेख जी रुको। डॉक्टर जॉन आप कितने रह गए हैं? सारे हो गए सर, एक रह गया शेख चिल्ली, उसे भी ढूंढो। अभी जाते हैं सर। डॉक्टर जॉन। यस सर। हम गाड़ी को बाहर रखेंगे क्योंकि गांव के लोग गाड़ी को देखकर भाग जाते हैं। ठीक है सर। ठीक है आप यहीं रुकोगे। सर एक आदमी है राहू से एक चिल्ली, अगर वो हमें मिल जावे तो हमारा काम खत्म हो जावे।
तू थक लिया पहले? अबे डॉक्टर जॉन वाले से पकड़ो पकड़ो। अरे सिंह जी कैसे भाग रहे हो? जल्दी वाला रे सिंह जी, इधर आओ इधर आओ। कहाँ गया इकबाल भाईजान? मेरा जीवन बेकार हो गया। सेठ जी तुम घबराओ मत। साले शेख जी नहीं पकड़ो, शेख जी नहीं पकड़ो। चलो इकबाल बनवा दिया, या अल्लाह मुझे बचा ले। शेख जी चुप करो, तुम्हें पता है अभी अभी नसबंदी वाले आए थे, तुम्हें पूछ रहे थे। चुप करो, कहीं तुम्हारी आवाज न सुने। बात यार नसबंदी की बढ़िया, क्या नसबंदा होने वाला? क्या कह रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। इकबाल ना समझिए। भाभी जी वो जो तुम बाबा से दवाई लाए थे ना जमीला के लिए? हाँ, उस दवाई से शेख जी को क्या परेशानी है? वहाँ परेशानी है रुक जाना, क्योंकि वो दवाई इकबाल ने खीर में मुझे खवा दी, इसलिए परेशानी है। या अल्लाह शेख जी तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा? इकबाला कुछ तो करो, मेरे पेट में उल्टी बल हो रही है, उबाल से आ रहे। मगर अब क्या करें? रुकदाला करना कुछ नहीं है, मुझे उस बाजार में ले लो इकबाल, अभी बाबा का तबादला करवा दो। चलो बाबा से चलकर पूछते हैं। चलो चलो इकबाल मुझे पकड़ ले। इकबाल इकबाल मेरे बेट बता चुर्की चुर्की हो रही है अम्मी, इकबाल बनवा दिया कब वक्त बनवा दे इकबाल रुखसाना बनवा दिया। काम से वही है, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक कहता हो जाऊंगा, मेरा बच्ची बिल्कुल नहीं चलना नहीं है, रुखसाना बिगल मारे गे। ठीक है मेरा सहारा ले लो, मगर तुम चलो। रुक जाना मेरे बेट में ना गुचल गुचल हो रही है, उठल बुटल हो रही है, मेरे बेट में मैं मरने वाला हूँ। रुक जाना मेरी टांग दर्द कर रही है। भाईजान आपने बहुत बुरा किया घर पे खीर खिला के, क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझे क्या पता था उसमें दवाई मिली है, जमीला ने भी नहीं बताया। चलो शेख जी मजार तक तो चलो। जा रहा चला नहीं जा रहा, मेरा पैर दर्द कर रहा है, तारों में लुपर 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 हो रही है। बिल्कुल नहीं चलो जी, अब क्या होगा भाईजान, अब क्या करें? क्या हुआ भाभी? वो देखो नसबंदी वाले आ रहे। नसबंदी वाले? नसबंदी वाले शेख जी मजार तक चलो, हम वहीं आ रहे हैं। चलो भला हो नसबंदी वालों का, पहुंच तो जाएंगे। चलो शेख जी चलो, मजार आ गई है। मैं सारा देर में उठा भी नहीं जा रहा हूँ, मैं उठा भी नहीं जा रहा हूँ। कैसे कैसे खड़ा कर रही है मेरे पेट में, कुड़क कुड़क हो रही है। जल्दी चलो या अल्लाह। اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا حبيبنا مولانا. चलो शेख जी वाले सल्लम सलाम या अल्लाह या मुझे कहां फंसवा दिया बाबा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बच्चों क्या परेशानी है? बोल एक बार, अब बोल। खान अब चुप क्यों है? बोल
बाबा जो दवाई आप मेरी बीवी को देकर आए थे ना, वो दवाई गलती से शेख जी ने खा ली। अब क्या होगा बाबा? तुमने कैसे खा ली? अब क्या होगा बाबा? ये तो हम तुमसे पूछना है और उल्टा तुम भी हमसे पूछ रहे हो। बाबा बचा ले मेरे वकीला झटका। बाबा बचा ले, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। बाबा बचा ले, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। बाबा बचा ले। बाबा रहम करो बाबा, मेरे शेख जी पे रहम करो। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा बाबा? हमें ना चाहिए बाबा ऐसा बच्चा। हाँ बाबा सही कह रही है बेटा, अब रोने से कुछ नहीं होगा। मेरी दवाई जो खाता है बच्चा तो जरूर होता है, मगर खुदा अपने निजाम नहीं बदलता। मगर बाबा वो दवाई तो जमीला को खानी थी। बाबा तूने तो मुझे सटका दी सांड। बाबा बाबा मुझे बचा ले इस बला से, मुझे बचा ले बाबा। चुप करो, अब कुछ नहीं हो सकता। जब तुमने दवाई खाई है तो भुक तो भी। चलो तो चलो शेख जी, अब कुछ नहीं होगा। चलो ठहरो ठहरो, अब क्या रह गया बाबा? ये लो इकबाल, ये दवाई अपनी घरवालियों को खिलाना, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करेगा। और सुनो, हम खुदा से दुआ करेंगे कि अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ ना दे, तुम्हारी राह आसान करे। जाओ। ठहरो। और क्या करोगे? हो सके तो किसी डॉक्टर को दिखा देना। पर डॉक्टर को दिखा लेंगे। मरवा दिया एक बार, ये बच्चे तूने मरवा दिया मुझे। अल्लाह क्या होगा? जो होगा अच्छा होगा। आप आराम से लेट जाओ, समझे? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मगर ज्यादा लेट जाऊंगा, ज्यादा लेट जाऊंगा। मगर कमा के कॉल लगेगा, मैं लेट जाऊंगा। चलो लेट हो। मैं लेट रहूं। कैसे कैसे लेट आ रही है? या अल्लाह जल्दी से खुशखबरी दे दे। या अल्लाह या कामसुआ दिया चिल्ली को। आराम से रहो, अब्बू तो पैसे भिजवाते ही है, कुछ खर्चा कम कर लेंगे। ठीक है बेचारा, खर्चा तो कम कर लेंगे। अगर हम नसबंदी वाले आ गए तो बेचारा मेरे से भागा भी नहीं जावे। तुम्हें अब भागने की जरूरत नहीं है, जो आएगा मैं देख लूंगी। तुम तो बस आराम करो और खाओ पियो। कैसे आराम करो कैसे पियो? तुझे बता दो कैसे आराम से खाओ पियो? मेरे को पानी भी नहीं सिटका जा रहा, पानी भी कटरे कटरे करा रहे पीऊ मैं। शेख जी इन दिनों में ऐसे ही होता है। तुझे बहुत पता ऐसे ही हो है। हाँ तुझे पता ऐसी हो है, ऐसी हो है। मैं बता बनवा दिया। या अल्लाह या बचा ले। कैसे कैसे लेट आ रही है? अरे जमीला कहाँ गई थी? बड़ी खुश नजर आ रही हो। तुम्हें पता है मैं बाबा के मजार पर चादर चढ़ा के आई हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ऐसी खुशी सबको दे। खुशी? साफ साफ बताओ कैसी खुशी? मैं ना माँ बनने वाली हूँ। सच जमीला? ये सब बाबा की दवाई का असर है, अब हमें कोई गम नहीं है। या मेरे मौला ऐसी खुशी सबको दे। अल्लाह बचा ले, रुखसाना बचा ले, मुझे बचा ले। कौन सी आफत आ गई? रुखसाना तू सब जाने है, फिर भी मुझसे पूछ रही है। मैं बता अपना दिल गिन रहा हूँ। तो मैं भी गिन रही हूँ, आगे खुशी तो मुझे भी है। मैं रुखसाना बता अपनी मौत के दिन गिन रहा हूँ और तुझे अपनी खुशी की पड़ रही है। मरवा दे एक बार के बच्चे ने, एक बार के बच्चे ने मुझे खिला दी, अपना आप क्यों नहीं खाई खीर? अच्छा सुनो, अब क्या तकलीफ है मुझे बताओ। तकलीफ क्या रुखसाना? तेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा। या अल्लाह। अच्छा ये लो पैसे,
और जाकर दर्द की गोली ले आओ। मुझे जमीला बाजी के यहाँ जाना है, कुछ बातें पूछनी है। आखिर वो भी तो उम्मीद से हैं। पार्टी के लिए मजा ले आओगे ना दवाई? मैं ले आऊंगा, ले आगे ले आगे, पूरी रजिस्ट्री करवा दी है। जा रही हूँ। आ जा निकल जा, जा निकल जा, कब निकल जा, मरवा दिया, मरवा दिया, एक बाल के बच्चे मरवा दिया मुझे। अब रुक जाना, खुद होती मेरा, खुद होती मेरा, वही उम्मीद से मुझे मरवा दिया, मुझे मरवा लिया, चक्कर है फिर। मैं दवाई लाता नहीं, बाहर ले जाऊंगा, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। मर गया, जमीला कहाँ हो? भाभी बड़े दिन बाद है, आओ बैठो। पहले ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है, सब खैरियत तो है? मैं तो ठीक हूँ रुखसाना भाभी, तुम बताओ तुम कैसी हो और केक जी की तबीयत कैसी है? उनकी सुनो, हमेशा उनके पेट में दर्द रहता है और आज आज तो सर में दर्द बता रहे थे। अभी अभी दवा के लिए पैसे दे के आई हूँ, दवा लेने गए हैं। रुखसाना भाभी केक जी का ख्याल रखना। ख्याल? ख्याल तो मैं पूरा रखती हूँ और अब तो मैं उनसे नाराज भी नहीं होती। खाने का ध्यान रखना। हाँ जमीला, खाने का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, वो नाराज हो जाएंगे, दवाई लेकर आ गए होंगे। शेख जी कहाँ पर हैं? हाँ या अल्लाह, ये क्या कर रहे हो शेख जी, ये हो क्या रहा है? तुम्हें पता नहीं तुम्हारी तबीयत खराब है, चलो नीचे उतरो। तुझे पता नहीं है, मैं दवाई खाई जैसे डॉक्टर ने बताई। भला ऐसे भी कोई बताएगा? कभी आर्थिक से भी काम ले लिया करो। रुक जाना, तुझे पता नहीं है, जब मैं डॉक्टर के गया तो डॉक्टर ने मुझे कहा दवाई ले लेते हम। मैंने कहा कैसे खाई जाएगी? कहने लगा जब पेट के दर्द की दवाई है इधर से खा के खड़े रहना, और जब सर के दर्द की दवाई है इधर खा के उल्टा रहना, दिमाग में चली जाएगी। समझ गई समझ गई। अच्छा अब सीधे रहा करो, ठीक है ना? शेख जी, शेख जी कौन है? अंदर आ जाओ। आगे साले। आज पकड़ में आया, बहुत दिन से भागम भाग करा रहा तू। रुक जाना, जरा बतलाइए ना भाईजान, इनकी नसबंदी अभी नहीं हो सकती। क्या प्रॉब्लम है, अभी क्यों नहीं हो सकती इनकी नसबंदी? आप इधर आइए, ध्यान रखना। अच्छा ये बात है। हाँ। ठीक है तो हम इनकी नसबंदी बाद में कर लेंगे, अब इस गांव का केस फाइनल हो गया है, अब चलते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है, निकल लो निकल लो, वहाँ निकल लो। आए सारे नसबंदी के चक्कर में फिरे हैं। रुक जाना, तूने क्या पार्ट बढ़ा दिया उन्हें? बस पढ़ा दिया। शेख जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं छाती बैठेगा? मैं बैठने नहीं आया, मैं तो ये बताने आया हूँ जमीला के लड़का हुआ। क्या? जमीला भाभी का लौंडा हुआ? जमीला भाभी का लौंडा हो लिया? क्यों शेख जी, तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी की बढ़िया कम ना कर। बता, मैं अपने मौत के दिन गिन रहा हूँ, वो तो जेल गई, अब मेरा क्या हो गया? या अल्लाह या अल्लाह कर मुझ में, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बचा ले। मुझे ला किसी डॉक्टर की, मेरे लिए तो यही किसी को बुला दे। देखो शेख जी, दाई तो तुम्हारे लिए यहाँ आने वाली नहीं है, और आ भी गई तो वो तुम्हें देखेगी कैसे? चुपचाप से डॉक्टर के पास चलो। क्यों भाईजान? आप ठीक कहती हो भाभी, शेख जी को उठा लो। मैं चला जा सारा गुंडी सिकल के। शेख जी को उठा लो, तेरा बाप रोमाल शेख जी ले उठा लो। चुप करो शेख जी, तुम्हें तमीज है कि नहीं? हाँ तू तो बड़ा तभी दिए गए सवार होगा, ये फालतू बोले की सारी का बक्कल सार दूंगा। शेख जी तुम क्या किसी के बक्कल उतारोगे, तुम्हारे तो खुद ही बक्कल उतरने वाले हैं। भाईजान आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं भाभी, मैं समझता हूँ। चलो शेख जी अस्पताल चलो, ये टाइम ही ऐसा, चलो। खड़ा भी नहीं हो जाए, एक बार मुझे कहा बात है ले जाके।
वहाँ किसके दरवाजे में गिरेगा मुझे ले जाएगा रुक सारा मैं यही ठीक हूँ मैं तो खराब लेने जा रहा सारा ले लेंगे तुम हमारा सहारा ले लेना चाहिए हाँ तेरा तो बड़ा सहारा है दस रही मेरे पास चप्पल तो दिखला दो किधर किधर है मुझे दस दिखला भी कम होगा दिखा तुम्हें कब से होता है डॉक्टर साहब डॉक्टर 8 महीने से होता मगर डॉक्टर साहब दर्द ज्यादा बढ़ गया कैसा दर्द सारी हल्दी कैसा दर्द ऐसा दर्द होता डॉक्टर जैसा पानी में चावल होता है तुम लोगों जब तुम्हारी बीमारी बढ़ जाती है ना तब तुम लोग डॉक्टर के पास जाते हो और अगर 1 या 2 महीने तुम और लेट कर देते तो ऑपरेशन करना पड़ता है अभी तो दवाइयों से ठीक हो जाएगा ये बच्चे भी दवाई से हो जाएगा बच्चा किसके हो जाएगा शेख जी के पेट में जो बच्चा है उसकी बात कर रही हूँ मैं क्या आदमी के बच्चा पागल हो तुम लोग कभी आदमी के भी बच्चा हुआ है जो इनके होगा इनके पेट में रसौली है जो दवाइयों से ठीक हो जाएगी मैं ठीक तो हो जाऊंगा डॉक्टर साहब हाँ तुम बच जाओगे लेकिन हाँ ऐसा मजाक जिंदगी में कभी नहीं करना ठीक है मेरे सामने खाओ है हाँ हाँ दो शेख जी तुम ठीक कह दो अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया डॉक्टर साहब एक बात पूछूं हाँ पूछो डॉक्टर साहब ये नसबंदी वाले जबरदस्ती नसबंदी करते फिर रहे इनसे कैसे बचे जबरदस्ती तो किसी से नहीं कर सकते और हाँ बचने की जरूरत नहीं है जब तुम्हारे एक दो बच्चे हो जाए तो आप खुद ही नसबंदी करा लो अगर उससे पहले आ गए तो उनको समझा दो ये अभी हमारे बच्चे नहीं हुए वो अपने आप चले जाएंगे डॉक्टर साहब एक बात समझ में नहीं आई जब एक बार की नसबंदी हो गई तो इनकी बीवी का बच्चा कैसे हो गया कभी कभी जल्दबाजी में नसबंदी ठीक नहीं हो पाती इसलिए बच्चा हो गया लेकिन अब करा लेना ठीक है डॉक्टर साहब अब मैं जल्दी नसबंदी करा लूंगा क्योंकि मेरा बच्चा हो गया डॉक्टर साहब एक तो बच्चे के बाद मैं भी नसबंदी करा लूंगा मगर डॉक्टर साहब नसबंदी से कमजोरी तो नहीं आती देखो नसबंदी में किसी तरह की कमजोरी नहीं आती ये तो एक वहम है कि कमजोरी आ जाती है आदमी और औरत पूरी तरह से फिट रहते हैं ठीक है तो शेख जी सब बहन भाइयों को बताते चले कि नसबंदी बुरी चीज नहीं है डॉक्टर साहब सही कह रहे हमें संडे सबको देना चाहिए शेख जी अपना इलाज पूरा करवाना और दवाई टाइम से खा लेना नसबंदी
तेरी बीवी ने नहीं समझा। बच्चा रहे गोद में होगी ना परेशानी, पीएम पीएम बने डॉक्टर खूब बनेंगे ज्ञानी। महंगा राशन मिलेगा तुमको, महंगा राशन मिलेगा तुमको, रोज लगेगी पाबंदी। नसबंदी नसबंदी बुरी नहीं है, नसबंदी नसबंदी बुरी नहीं है, नसबंदी परिवार नियोजन नहीं है।